नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अशोक राजपूत जी हैं, पेशे से वकील हैं। मुंबई में पिछले 25 सालों से यह वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ भी सेवाएं दी। अब उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहे हैं, उनकी पार्टी लोक पार्टी जो बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रही है। ये स्वयं अलीगढ़ के छठा विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। हम जानते हैं अशोक राजपूत जी से, किन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप तैयारी करने जा रहे हैं और आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? हमारा जो विजन है ना, गाँव मजदूर किसान को समान रूप से शिक्षा मिले, स्वास्थ्य भी समान रूप से मिले, ये हमारा मेन प्रमुख है। और जो कानून व्यवस्था है वो और दुरुस्त चले। योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है, लेकिन और उसमें जितना ज़्यादा सुधार हो सकता है और किसानों को भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, वो भी हमारी पार्टी का विज़न है कि किसान जो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, उनको भी अच्छे से काम मिले और उनकी खेती के लिए छूट मिले, किसान का जो लोन होता है उसमें भी उनको रियायत मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और वही पार्टी का हमारा विज़न है कि सबको समान रूप से एक साथ लेके चलें। भारतीय जनता पार्टी ने कई छोटे पार्टियों को साथ लेकर इस बार गठबंधन बनाया है, जो अगली बार उनके साथ ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग थे वो किनारे हो गए हैं, तो क्या आप मान रहे हैं जो रिक्त जगह था उसको पूरा करने का काम आपकी पार्टी सनपा करेगी? यस सर, हम लोग रिक्त राजभर जी के जाने के बाद वो ब्लैकमेलिंग के राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी भी जो वोट बैंक है हमारा, लोधी राजपूत निषाद बिंद कश्यप, ये सब 24% वोट है यूपी में, 24% वोट है हर सीट के ऊपर, 24% वोट बहुत मायने रखता है। वो कोई भी सीट का निर्णय बदलने के लिए सक्षम है और ये सारे चीज़ हम एकजुट करके हमारा जो वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ तहत हम साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन जिन वोटों पर आप दावा कर रहे हैं अपनी पार्टी का, उसी वोट बैंक पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी कि मायावती भी दावा करती हैं, तो ऐसे में आपकी पार्टी जो सनपा है कैसे उस वोट को कन्वर्ट करके बीजेपी और आपके गठबंधन पर लाएगी? समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है ना, वो मोस्टली यादव कम्युनिटी है और दूसरी कम्युनिटी मुस्लिम के ऊपर ज़्यादा वो भरोसा करते हैं, और तीसरा तो कुछ नहीं है। और बाकी की मायावती जी की पार्टी है वो टोटल जो शेड्यूल कास्ट के वोट के ऊपर डिपेंड करती है। आजकल उन्होंने एक मुद्दा चलाया हुआ है ब्राह्मणवाद का, कि ब्राह्मणों को हम टिकट देंगे, जीत के लाएंगे, तो वो सब कहीं दिखता नहीं है। और मायावती तो ये 2022 के चुनाव में कहीं दिखती भी नहीं है और कहीं ठहरती भी नहीं है। तो आप सुन रहे थे अशोक राजपूत जी को, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो बिगुल फूकने जा रहे हैं, तैयारी है उनकी, यहाँ से मुंबई से कूच कर रहे हैं यूपी के लिए, और इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के साथ उनकी पार्टी जो सनपा है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेगी और अगली सरकार बनाएगी। इसमें इनकी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।